वेलकम है आपका मेरे कोफ्ते दिल्ली में। आपको वेलकम कर रहे हैं, भैया का कहना है मैं दिल्ली में रहने जा रहा हूँ, आप सबका स्वागत है। भैया थोड़े बोलने में नर्वस है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो शुरू करते हैं, भैया से इंटरव्यू करते हैं शुरू। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आज का दोस्तों ब्लॉग नहीं है, आज का वीडियो जो रहेगा इंटरव्यू टाइप का रहेगा, ब्लॉग भी समझ सकते हो। जो भी वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और खास करके उनके लिए जो करवा चौथ व्रत वगैरह रखती हैं लेडीज वगैरह, जो शादी वगैरह हो जाती है आजकल व्रत वगैरह रखती हैं आजकल, उनके लिए अगर मेहंदी लगाना पसंद है या लगवाना पसंद है वीडियो पर, तब भी लाइक जरूर करना। तो आज हम जाने वाले हैं एक भैया के पास, मेहंदी वाले भैया के पास, वो पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं, और एड्रेस वगैरह जो भी होगा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा या करंट लोकेशन डाल दूंगा वहाँ के, आप जाके वहाँ पे परचेस करके लगवा सकते हो। डायरेक्ट हम चलेंगे ओनर भैया के पास और उनसे बात करेंगे क्या रेटिस है, कुछ डिजाइन देखेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे, और शॉप कितने बजे तक खुला रहता है, कितने बजे बंद होता है, और करवा चौथ का रेटिस अलग होता है, ऑफ सीजन का रेट अलग होता है। चलेंगे बात करेंगे डायरेक्ट भैया के पास, चलो वीडियो बने रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना। तो भैया के पास चलते हैं, डायरेक्ट फाइनली गाइस दुकान पे आ चुके हैं, देख सकते हो दुकान का कुछ बैकग्राउंड, इधर देख सकते हो इधर बैठे हुए हैं आप, देख सकते हो इधर भी है भैया, हम एक भैया से बात कराएंगे आपको अभी, लेके चलते हैं। ये देख सकते हो इधर भैया सो रहे हैं, इधर देख सकते हो बैठे हुए हैं भैया। फाइनली गाइस मैं शॉप पे आ चुका हूँ और भैया से बात करेंगे, भैया कुछ अपने बारे में बताएंगे और शॉप के नाम के बारे में बताएंगे, कुछ डिटेल्स देंगे, भैया से बात करते हैं क्या रेटेस है, क्या चार्जेस है। और आपको पता ही पहले आपने सामने देख किया था, क्योंकि ये ज़्यादा करके जो लेडीज़ वगैरह करवा चौथ व्रत रखती हैं उनके लिए वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना, और भैया का इंटरव्यू अगर आपको पसंद आया तो भैया पहली बार लाइव फर्स्ट बार इंटरव्यू दे रहे हैं सिर्फ आपके लिए गाइस, भैया जी आप बताइए इसके बारे में। वेलकम है आपका मेरी शॉप पे दिल्ली मेहंदी डिजाइनर में, और बताइए आपको क्या बताएं क्या आप अपना भैया पहले गाइस को व्यूअर्स को अपना नाम बताइए नाम। मेरा नाम अनिल कुमार है और मेरी शॉप का नाम है दिल्ली मेहंदी डिजाइनर, और यहाँ अच्छी से अच्छी मेहंदी निकाल के देते हैं। भैया जी का नाम है अनिल कुमार है, और भैया जी आपको दिल से स्वागत करते हैं दुकान पे दिल्ली मेहंदी डिजाइनर, आप सबका स्वागत है और मेरे तरफ से भी स्वागत है आपको। भैया आपके पास जैसे करवा चौथ पे रेटिस क्या है, मतलब करवा चौथ के अपने 2022 में जो करवा चौथ का समय चल रहा है, सीजन आने वाला है, क्या रेटिस है अभी? तो दो साल से करवा चौथ अच्छी तरह से लगा नहीं कोविड की वजह से, तो बहुत सी चीज़ें हैं अभी करवा चौथ में, ज़्यादा कुछ रेट रखने वाले नहीं हैं हम लोग, और नॉर्मली रेट में लगा के देंगे और अच्छा से अच्छा लगा के देंगे, और थोड़ा बहुत भीड़ वगैरह रहता है करवा चौथ में, फिर उसके बाद में देखेंगे डिसाइड करेंगे रेट का, कुछ थोड़ा बहुत रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। भैया जी कहना है कि कोविड की वजह से दो साल लोगों ने त्यौहार अच्छे तरीके से नहीं मनाया है, एक करवा चौथ दो साल बाद लोग मना रहे हैं, उसके चक्कर में भैया कह रहे हैं अभी रेट तो वही रहेगा सेम रहेगा। बाकी जिस हिसाब से पब्लिक आती है, भीड़ होती है, आपको पता है एक दिन दो दिन का त्यौहार होता है, लोग जिसे मनाते हैं उसमें 100-200 रुपये रेट बढ़ सकती है, वो आपको पता है। जैसे दिल्ली में भैया 100 वाली 200 वाली जो मेहंदी 400-500 हज़ार में लगती है, क्योंकि लोग खुशी होते हैं, खुशी देते भी हैं। मेहंदी लगाना करवा चौथ मेहंदी, मैं मेहंदी खुद लगाता हूँ, क्योंकि करवा चौथ मैंने मेहंदी लगाया है ना 3-4 साल, तो अच्छे रेट्स मिलते हैं। अपने यहाँ पुणे में क्या रेट्स मिलते हैं, किस हिसाब से क्या है? पुणे में एक्चुअली क्या है, उतना करवा चौथ लगता भी नहीं है, और जो भी ये लगता है थोड़ा बहुत रेट में फ़र्क पड़ता है, नहीं तो हमारा हमेशा वही रेट रहता है, नॉर्मली जो हर टाइम में लेते हैं एक ही रेट रहता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है। बाकी अपने पास भैया शॉप जो ओपन होता है, मतलब कितनी टाइमिंग है, मतलब कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, कोई आपकी टाइमिंग है क्या है? सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मेरा शॉप चालू रहता है, 9 to 10 एवरी डे चालू रहता है, कोई वीकली छुट्टी नहीं है, एवरी डे ओपन रहता है 9 to 10 एवरी डे चालू रहता है। चलो मैं भैया से बोलता हूँ, थोड़ा आपको डिजाइन वगैरह दिखा देंगे जो भी है डिजाइन वगैरह, मतलब यहाँ पे है, और रेट भी बस आपको बता देंगे आपको, तो आपको डिजाइन भैया कुछ डिजाइन वगैरह दिखा दीजिए। हाँ सर, आपको बहुत सारा डिजाइन है ऐसे हमारे पास, हज़ारों कैटलॉग में, और उसके डिजाइन है, बहुत सारी डिजाइन है, साथ ही बताते रहे रेट, मतलब छोटा भी है बड़ा भी है, शायद उतना इसमें साफ नहीं दिखेगी ये, तो सभी तरह का रहता है, जैसे ये है वाशरूम से आता है अपन लोग, ये 200 रुपये 300 रुपये का ऐसे ही स्टार्टिंग चार्ज होता है, डिजाइन और लेंथ अकॉर्डिंग रेट होता है सभी, और अच्छा से अच्छा काम करके देते हैं, जैसा जिसको पसंद आता है अच्छा लगा। भैया का यहाँ मतलब 100 रुपये 200 रुपये से स्टार्टिंग है नॉर्मली, अपने अगर ब्राइडल जैसे कोई लगाना था, ब्राइडल ब्राइडल टाइप के लगवाते हैं यहाँ, शादी नहीं हुई होती है यहाँ लगाना था, उसके भी चार्ज ब्राइडल वाले ही रेट है, डबल हो जाते हैं। ब्राइडल का क्या है ना, ब्राइडल का पूरा हाथ पैर का पैकेज होता है पूरा हमारे पास, हाथ पैर का पूरा पैकेज बना के देते हैं,
जो कि वो 2,000, 3,000, 4,000 से रहता है, वो भी डिज़ाइन और लेंथ अकॉर्डिंग रेट रहता है, सभी तरह का रहता है। डिज़ाइन किसको कैसा पसंद आता है डिफरेंट उस पर रहता है, किसको कैसा पसंद आता है वो बताते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। मतलब कोई मेहंदी में क्या है, कई तरह के डिज़ाइन होती है, आजकल बोलते हैं राजस्थानी हो गई, थ्रीडी हो गई, मधुबनी हो गई, कई काम के हिसाब से जो वर्क होता है वर्क हिसाब से होता है किसी भी हिसाब से। क्योंकि एक वर्क होता है जो 10 मिनट में कम्प्लीट हो जाएगा, एक वर्क होता है 1 घंटे में, तो वर्क हिसाब से पेमेंट चार्ज पे करते हैं। और मैं एक बार आपको दुकान दिखा देता हूँ, आपको दुकान देख सकते हो आप गाइस, देख सकते हो ये भैया का दुकान है, आप देख सकते हो लोग बैठे हुए किस तरीके से, और इधर भैया एक सो रहे हैं आप देख सकते हो। फाइनली गाइस आपने देख लिया है दुकान पर, देख लिया, अगर आपको दुकान पसंद आया हो तो देख सकते हो। और भैया आपने क्लासेस के बारे में अपने पास अवेलेबल है? हाँ, क्लासेस सभी तो अवेलेबल नहीं है, पर रहेगा क्लासेस अभी, वर्क का टाइम है, अभी सीजन टाइम आ रहा, फेस्टिवल टाइम आ रहा, तो हम सभी क्लासेस नहीं ले सकते, लेकिन आगे हो सकता है कि हम क्लासेस लें जब फ्री टाइम मिलेगा हमको। भैया का प्लान है, मतलब अभी सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, त्यौहार वगैरह भी आ रहा है, इसके चक्कर में क्लासेस वगैरह जो है अभी नहीं स्टार्ट किया है। बाकी भैया ने आगे के लिए सोचा है, फ्यूचर में जो भी आएगा समय उसमें क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने दुकान देखा भैया के पास काफ़ी स्पेस भी अच्छा भी, भैया के ऊपर पास भी जो नेल पेंट का नेल आर्ट का नेल आर्ट का भी काम है, मेहंदी का भी है, मेहंदी का नीचे है, नेल आर्ट का ऊपर काम है, तो अपना दोनों काम भैया के पास मैंने देखा, ऊपर भी नेल आर्ट का क्लाइंट है, हम बात नहीं कर सकते, हम उससे परमिशन लेना पड़ता है ना किसी का फेस वो डालने के लिए सोशल मीडिया पे, तो ऊपर में हार्ड काम चल रहा था, तो मैं कहता हूँ दुकान का लेने के लिए, आपको अगर दिखा दूँगा लाइट से जाएंगे दुकान में डाल दूँगा वीडियो बना के, तो दुकान ऊपर भी दिखा दूँगा। और अगर आपको नेल आर्ट कराना है आप संपर्क कर सकते हो, आपका एड्रेस यही रहेगा, शॉप यही रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर यही रहेगा, हम सब भैया ही एक दूसरे मिलेंगे। और भैया का अगर आपका इंटरव्यू पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। भैया ने इंटरव्यू बड़े मेहनत से दिया है और मेहनत लगती है वीडियो बनाने का, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।